नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में गांव गांव और ढाणी ढाणी की खबरें। सबसे पहले रुक करेंगे अजमेर का। दरअसल यहां पर तबीजीपुरिया के पास डंपर और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर सांसद डॉक्टर रघु शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे, घायलों की कुशल क्षेम जानी। उन्होंने इलाज को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर आरती डोगरा ने मृतक आश्रितों को मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें मृतक आश्रितों को 50,000 रुपए और घायलों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। झुंझुनू की बुआना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने के मामले में कार्रवाई की। बेरोजगार युवकों से करीब 2 करोड़ से ज्यादा की राशि ठगने के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक अन्य आरोपी सतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की जेल में बंद है। जोधपुर के उमेद अस्पताल में देर रात हंगामा हो गया। नागौरी गेट से बीमार बच्चे को लेकर उमेद अस्पताल पहुंचे परिजनों के साथ गार्ड ने बदसल उठी थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे खांडा फलसा पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन मामला नहीं सुलझा तो पुलिसकर्मियों ने परिजनों को जबरन खदेड़ दिया। सिरोही के उत्थमन टोल नाके के पास एक बस सड़क के नीचे एक गड्ढे में उतर गए, इससे करीब 35 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस शनिवार को जयपुर में हुए पीएम जनसंवाद कार्यक्रम से लौट रही थी। इस पिंडवाड़ा पंचायत समिति के लाभार्थी भरे हुए थे। डूंगरपुर के माड़ा गांव में एक ठग ने दो भाइयों को 28 लाख के चिल्ड्रन बैंक के नोट थमाकर उनकी 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। पुलिस के मुताबिक बाबूलाल और मीठालाल ने 42 लाख रुपए में नितेश धारावत के साथ अपनी 4 बीघा जमीन का सौदा किया था, लेकिन 28 लाख रुपए के नोट चिल्ड्रन बैंक के निकले। धौलपुर के गांव बंदपुरा में अवैध संबंधों के चलते युवा के साथ अमानवीय यातनाएं देने का मामला सामने आया है। यहां कुछ ग्रामीणों ने युवक का न सिर्फ मुंडन किया बल्कि उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक के अपने साल की पत्नी से अवैध संबंध थे। बूंदी की देई खाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 5 छाती चोरों को भी पकड़ा है। साथ ही चोरों के कब्जे से कार और 54 बैटरियां बरामद की गई। आरोपियों ने कोटा खुर्द में लगे बीएसएनएल टावर से बैटरियां चुराई थी और लाखेरी बीएसएनएल कार्यालय के जेटीओ ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 9:44 पर कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए। भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जयपुर में ही जमीन के 10 किलोमीटर नीचे रहा। जयपुर के अलावा शाहपुरा, चौमू, पापटा और सीकर जिले के खंडेला और श्री माधोपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी के चौमू खंड के सामो थाना क्षेत्र में अमरपुरा गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि इंदिरा कॉलोनी निवासी नाबालिग लड़की का देर रात 3 बदमाश अपहरण कर ले गए, जिसकी सूचना देर रात ही थाने में दे दी गई, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। झालावाड़ की मनोहर थाने में फिरौती के लिए युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। यहां 3 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को जीप में डालकर मध्य प्रदेश के पेची गांव के पास जंगलों में ले गए। आरोपियों ने पीड़ित युवक से मारपीट की, उसके घरवालों से फोन कर 1 लाख की फिरौती मांगी। कोटा के टावा में छपरपोश मकान बनाकर रहने वाले घुमक्कर लोहार जाति के लोगों में उस समय हाहाकार मच गया जब सड़क से गुजरे एक ट्रक में विद्युत तार उलझ गए। वहीं तारों के साथ विद्युत पोल नीचे इस छप्परपोश मकान पर आ गिरा था, इससे वहां मौजूद एक बालक जो था वो घायल हो गया। वहीं करीब आधा दर्जन लोगों को विद्युत करंट आ गया। करौली जिला अस्पताल के मातृ शिशु इकाई में बर्थडे पार्टी मनाने को लेकर पीएमओ डॉक्टर श्रीराम मीणा ने मातृ शिशु इकाई में नियुक्त 10 चिकित्सकों को नोटिस जारी किए हैं। आरोप है कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बत्तीलाल मीणा ने मातृ शिशु इकाई में अपना जन्मदिन मनाया। उधर डॉक्टर बत्तीलाल मीणा सहित अन्य चिकित्सकों का कहना है कि अस्पताल में कोई पार्टी आयोजन नहीं हुआ। श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर वार्ड 1 में कथित रूप से किराए का मकान खाली कराने को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो गया। तो वही प्रकरण में एक पक्ष की ओर से जानलेवा हमला कर सामान को बाहर फेंकने तो दूसरी ओर से मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने संबंधित मुकदमा दर्ज हुए।
जालौर के साला उपखंड के रेतड़ा में अखिल भारतीय देवासी कर्मठा परिवार की ओर से श्री सोनलदे रूपलदे माताजी के मंदिर के पहले वार्षिकोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के लाभार्थी जनसंवाद से सिरोही लौट रही बस को पाली केंद्रा नगर के पास पीछे से आ रहे ट्रोले ने टक्कर मार दी। बता दें कि बस हाईवे के पास बनी खाई में जाकर रुक गई थी। घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिस पर सदर थाना प्रभारी सवाई सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीबीएसई की यूजीसी नेट परीक्षा बीकानेर में भी आयोजित हो रही है। बीकानेर में 24 परीक्षा केंद्रों पर यूजीसी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जिले में 12,419 अभ्यर्थी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में सघन जांच पड़ताल और आईटीए इस तरह की कई जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद एंट्री दी गई। चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब सीने में दर्द की शिकायत पर उपचाराधीन महिला की मौत हो गई। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से समझाइश की। वहीं परिजनों का कहना था कि समय पर उपचार नहीं किया, जिससे महिला की मौत हो गई। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल प्रथम में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए बीकानेर जिला परिषद में काउंसलिंग शुरू हुई। काउंसलिंग के पहले दिन आज विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया। पहले दिन कुल 358 विशेष श्रेणी शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। सांप्रदायिक तनाव और दंगे की स्थिति में प्रभावी नियंत्रण कायम करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम इन दिनों अजमेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के दौरे पर है। इस दौरान यह टीम केकड़ी पहुंची। यहां उन्होंने टीम के सहायक कमांडेंट मुरली लाल रैगर के नेतृत्व में परिचय अभ्यास किया। अलवर में बांसूर के पास एक सड़क दुर्घटना में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी नारायणपुर थाने में तैनात था और वारंट की तामील कराने थाने से निकला था। 108 एम्बुलेंस से उसे कोटपुतली के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर में रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाकचपुर गांव में एक विवाहिता की मौत हो गई। विवाहिता के पति ने ही पत्नी के सिर में धारदार हथियार मारकर हत्या कर दी थी। वही विवाहिता के पीर पक्ष ने हत्या और दहेज मांगने का मामला दर्ज करवाया, जिसकी पुलिस जांच में जुट गई है। भरतपुर डी कस्बे के रामबाग कॉलोनी में अचानक एक महिला के संदिग्ध मौत हो गई, जिसके शव को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। वही मृतका के ससुरालजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा लिया गया, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके के खेड़ली फाटक क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक गोविंद ने घरेलू अवसाद के चलते फंदा लगाया था। हालांकि अभी भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर की केकड़ी क्षेत्र के मंडा गांव में पिछले कई दिनों से लोग गांव में सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तो वहीं गांव वालों ने अपनी मांग को लेकर लोकसभा उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया था। उस समय शासन प्रशासन के अधिकारियों की सांसें भी फूल गई थी। अजमेर के सरवार नगर पालिका गंदे पानी के नालों की सफाई को लेकर पूरी तरह से बेपरवाह बना हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र के ज्यादातर गंदे पानी के नाले कचरा गंदगी भरने से अवरुद्ध पड़े होने से बारिश के समय में हालात बिगड़ने की पूरी संभावना बन गई है। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।